Viste mi. Viste mi. Ok, thank you. अस्सलामु अलैकुम जी। आज मेरे साथ गफ़ार लहरी साहब हैं, पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन, टीवी स्टेज आर्टिस्ट और फिल्म, माशाल्लाह बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारे किरदार अदा किए, यहाँ तक कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ, सुल्तान राही साहब के साथ उन्होंने फिल्मों में मुख्तलिफ छोटे छोटे किरदार अदा किए। और बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान में आकर ऐसे फ़नकारों को मिलकर। और बर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जानकर हमें अफसोस होता है कि माशाल्लाह पूरी दुनिया को हंसाने वाले फ़नकार, और जब दिल से किसी भी चीज़ से दुखी होते हैं या वो उनके अपने जो कदरदान हैं वो उनकी कदर के मुताबिक उनकी कीमत अदा ना करें और उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक उनकी मजदूरी अदा ना करें, तो इसके ऊपर हमें भी अफसोस होता है कि ऐसे, प्लीज़ ऐसे फ़नकारों को आप उनके पूरे हक़ के मुताबिक अदा करें ताकि उनके भी घर चलें, उनके भी चूल्हे चलते रहें। और इस सिलसिले में मैं गफ़ार लहरी साहब से आज मुलाकात हुई, तो मैं चाहूँगा कि वो अपने दिल की बातें, बहुत सारे अखबारों में तो मैं पढ़ चुका हूँ लेकिन उनकी ज़बानी आज मैं उनसे बात करना चाहूँगा। तो बात कर रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब नदीम साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले ज़ाविया न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे आज अपने शो में मुझे शामिल किया और अपने खुशियों में शामिल किया। मैं तो हमेशा दुख हो, खुशियाँ हों, गमी हो, मैं उसमें सब में शामिल होता हूँ, यही मेरी ज़िंदगी है। जो नहीं शामिल होता उसके लिए शर्मिंदगी है। तो शुक्र है मेरे अल्लाह का, जो वक्त गुजर रहा है बहुत अच्छा गुजर रहा है। आपकी बातें बहुत ही जो आपने कही हैं, पाकिस्तान में हमारी पहचान ज़रूर है, या हम पाकिस्तान में जो हमारे फनकार पाकिस्तान में बनता है उसका नाम होता है। जब पाकिस्तान में नाम होता है फिर जो बाहर की कंट्री होती है उन्हें बुलाती हैं, इसलिए बुलाती हैं कि उनका एक नाम होता है, उनकी एक इज़्ज़त होती है, तो वो अपने पाकिस्तान का नाम लेकर उसकी नुमाइंदगी करने के लिए वो बाहर के मुल्क जाते हैं और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं जी। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ होते हैं कि जो बड़े प्रमोटर हैं वो तो पैसे देते हैं, जो नए नए प्रमोटर उठते हैं ना जिनको पता नहीं काम का क्या, हमें कहेंगे इसे अपने इस्लामाबाद का तो ले जाएंगे, वो जाके हमें बूरबान ले जाएंगे। तो ये होता है कि ये कहना कहीं कहीं का और ले जाना कहीं, तो फिर अजीब सा होता है। तो फिर उन लोगों को ये नहीं पता होता कि यार हमने पैसे के क्या करना क्या नहीं, फिर वो पैसे भी कम देते हैं, हक रख जाते हैं। मगर किसी ने मुझे पूछा गफ़ार साहब आपकी सेहत का राज क्या है, तो मैंने कहा यार बस मैं किसी का हक नहीं खाता, किसी को तकलीफ़ नहीं देता और मैं किसी के मतलब बुरा नहीं सोचता, मेरे पास टाइम ही नहीं है किसी का बुरा सोचने के लिए। तो अल्लाह ने मुझे फिर सेहत ज़िंदगी दी, अल्लाह का शुक्र है। हम लोगों को हंसाते हैं, आपका सवाल था कि बस हम लोग जो लोगों को हंसाते हैं ना तो लोगों के आंसू चुरा कर ना लोगों को हम खुशियाँ बांटते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है। नहीं वाकई ये बहुत मुश्किल काम है। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने ज़ाहिर ज़िंदगी का सफ़र इतना मुश्किल गुजारा है। 40 साल हो गए मुझे काम करते हुए, 40 साल हो गए, और 40 साल में बहुत सारे फ़नकारों ने अपने इस सफ़र में बिज़नेस भी बनाए हैं, बहुत सारे काम एक साइड बिज़नेस रखे हैं, और आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि साइड बिज़नेस किया जाए? हाँ सर, हम जो काम करने वाले हैं, छोटे छोटे काम करने वाले हैं, बड़े स्टारों के साथ किया, सुल्तान रही, अंजुमन, नरगिस, रैम्बो, सहमा जी, जितने स्टार हैं, शबक चीमा, मैयू कुरैशी साहब, मुस्तफा कुरैशी साहब, दीप साहब, बड़े तमाम स्टार जितने भी हैं, फिल्मों में किया, सीरियल किए PTV में सारे, मगर जो रूज आना चाहिए था वो नहीं आ सका, ये मेरे मुकद्दर हैं। जो अल्लाह ने दिया शुक्र है, जो नहीं दिया वो बेहतरी है। तो इज़्ज़त बहुत कमाई मगर पैसा नहीं कमाया, क्योंकि इतना अरूज नहीं मिला, तो इसमें मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरा रब जो करता वो बेहतर करता, मेरे लिए यही बेहतरी था, मैं इसी में राजी हूँ, इसी में खुश हूँ कि मुझे अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त बख्शी, दुनिया मेरी इज़्ज़त करती है, रिस्पेक्ट करती है। तो पैसा मैं इसलिए नहीं कमा सका क्योंकि हमने छोटे छोटे रोल किए, हम ये इवनिंग शो या मॉर्निंग शो करते हैं या हम इस वक्त कंपनीज के हम शो करते हैं,
तो वो अब तो ये 2.5 साल से कोरोना ने कोविड ने नहीं हमें छोड़ा, तो उसकी वजह से जो हमारे जो कुंजी थी वो भी ख़त्म हो गई। तो छोटे फनकार तो वैसे ही रूल तक गए हैं, देख चस बढ़िया, ये जो बारह रूलने वाली बात है, मतलब गाना बड़ा खूबसूरत, अल्लाह उसे सलामत रखे, हमारे लिए बड़े काबिल तरह। तो ये है कि आदमी छोटे फनकार सारे रूल गए हैं, उनके चूल्हे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, क्योंकि उनको बड़े मुख्तसर थे, थोड़े महदूद से पैसे मिलते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे प्रीवियसली बाबू बराल साहब, अल्लाह ताला जन्नत उनको जन्नत में जगह दे, और मस्ताना साहब, उन्होंने या उससे पहले भी फनकारों ने या दूसरे और भी फनकार हैं जो कि कहते ना थोड़े से नशे में, हाँ जी हाँ जी, कोई इस तरह की चीज़ों में बड़े मुलव्वस रहे हैं, हाँ रहे हैं जी, या याशियों में बड़ा उन्होंने अपना टाइम ज़ाया किया है और अपने आप को, यानी कि ये एक तबाही का बायस बना है। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ही ठीक है, मेरे सामने की बात है ये। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं खुद बड़ा बाबू बराल साहब को बड़ा पसंद करता हूँ। क्या बात, अभी भी उनके मैं समझ बहुत ज़्यादा उनके जो फन जो क्लिप्स हैं मैं देखता हूँ, और बहुत सारे फनकारों के पुराने फनकारों के जितने क्लिप्स हैं, हाँ वो बहुत बड़ा फनकार था, मगर नशे जो हम नशों से नहीं जीत सकते जी, नशों से हम नहीं जीत सकते। वो अपने जो फनकार कहते हैं कि मैं नशा ख़त्म करूं, ख़त्म करने के लिए आए हैं, वो नशा तो नहीं ख़त्म करता, तो वो खुद ख़त्म हो जाता। बबू बराल साहब वो फनकार थे, लोग कहते हैं पंच पटिया, मैं कहता हूँ कि वो करोड़ों पटिया, वो अल्लाह ताला ने एक डिफरेंट वो ऐसे अजूबा किस्म के वो फनकार थे कि जहाँ से छोड़ो, फेस एक्सप्रेशन से, गायकी से, हाथ से रिदम बजाने से, डांस से, डायलॉग डिलीवरी से, फुटवर्किंग से, वो बहुत आगे था। मस्ताना साहब, बबू बराल साहब, शौकी खान साहब, आबद खान साहब, तारिक जवेद साहब, हाजी अलबेला साहब, ये जो दुनिया से गए हैं, तो इन्होंने इतना कुछ इसलिए नहीं बना सके कि ये बस लगे रहे ऐसे ही, मैं कुछ समझ नहीं आता नशों में इंसान, मतलब हमें उनसे मोहब्बत अभी भी है, हम क्योंकि क्लिप्स देखते हैं, हमें सारा कुछ है। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए आपने कभी देखा कि मैं ज़ाहिर है ये लोग हाँ। गए हैं तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ इसलिए मैंने नहीं किया। और आज मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 58 मेरी इस वक्त उम्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे कोई दांत नहीं हिला, और अल्लाह ताला ने मुझे तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाई है। तो असी हिला दी है फिर नहीं, तो फिर घसोन मारोगे लोहे दा फिर ही हिलणगे। तो नशे नहीं करने चाहिए, इसलिए मैंने उनको देख कर नशा नहीं किया। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। मुझे ये भी पता चला है कि आप 5 वक्त नमाज भी पढ़ते हैं, सारा एक इबादत और नमाज, और ये तो हमारे अल्लाह ताला को जवाब देना है, बाकी ये हमारी रोजी रोटी है जो भी यहाँ पे मीडिया में जो भी आप कर रहे हैं। ये सर नमाज अल्लाह का शुक्र अदा है जी, हमारा सबसे अच्छा शुक्र अदा नमाज है, अल्लाह को सजदा बहुत पसंद है, तो हमें अल्लाह ताला हिदायत सिरातल मुस्तकीम में चले के तौफीक फरमाए। सभी अच्छे हैं, मैंने कभी इन्हें कहा ये क्या कर रही है, सब मैं तो अपनी नफी करता हूँ, मैं क्या हूँ। तो हमें बचना चाहिए नशों से, अल्लाह हमें अरूज देता ना, तो कोशिश करें कि उसका अरूज को संभालने के लिए और मेहनत करें। अब मैं सिंगिंग की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, चलो कंपेयरिंग कॉमेडी, अब सिंगिंग की तरफ में अनकरी, अभी आप इसे ईद के पहले पहले आप मेरे सॉन्ग सुनेंगे, एज ए वीडियो मैं बनने शूट होने वाले हैं। तो एक मैंने फनकारों के ऊपर गाना किया, अभी मैं मुँह से अल्फाज नहीं बोलूँगा फिर चोरी हो जाते हैं शायरी, तो वो मैंने कि फनकार जितना मर्जी पैसों से कमी उसे आ जाए, मगर लोग उन्हें तरसते हैं देखने के लिए फनकारों को। तो इनके ऊपर एक मैंने गाना बड़ा अच्छा लिखा है, और ये अब अनकरीब अगले हफ्ते में इसकी वीडियो आ जाएगी इसकी, और मज़ीद मेरे शूट होनी है अगले हफ्ते, शूट होनी है। तो जैसे ये शूट होगी और अब उसके बाद मैंने ये इसके हवाले से गाने, कोई हैं जो आपको इस वीडियो सॉन्ग करेंगे आप? हाँ जी, वीडियो शूट करना, रिकॉर्डिंग ऑडियो कर ली है मैंने, ऑडियो कर, अब उसका स्पॉन्सर मुझे नहीं मेहरबानी है, जिसकी वजह से मैं उसे शूट नहीं कर सकता। स्पॉन्सर आपको हो गया है? नहीं अभी नहीं, अभी आप कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी कोशिश कर। तो कितना उसका खर्चा है जो कि आपके वीडियो का आप अगले हफ्ते आप कह रहे हैं कि बन जाएगा? वो 4 सूबों की उसकी नुमाइंदगी मैंने की है, उसमें आप देखेंगे 4 सूबों के जब हम ड्रेस पहनाएंगे, 4 लड़कियाँ 4 लड़के, उसमें अपने 832 ड्रेस हैं, और कोई अपने 15 मेरे होंगे, कम से कम कोई 50-60 ड्रेस के करीब है उस गाने के अंदर। तो इस गाने का जो टोटल आपका कंप्लीट खर्चा होगा कितना होगा? खर्चा तो होगा जी काफ़ी, कम से कम 3-4 लाख का खर्चा है, तो ये कम भी हो सकता है, देखो क्या बनता है। चलो ये तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा आपको स्पॉन्सर। तो हम एक ब्रेक लें, फिर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद फिर दोबारा आते हैं कुछ थोड़ी सा इंशाल्लाह। आप देखते रहिए ज़ाविया न्यूज़ UK। थैंक यू।
जी अस्सलाम वालेकुम। आप ब्रेक से पहले देख रहे थे गफार लहरी साहब हम से मुखातब थे, बहुत सारी बातें हम इनसे जान रहे थे। अब मैं गफार साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक ही बेटी है जी। एक ही बेटी है माशाल्लाह। ICS की है माशाल्लाह। मेरे पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, सीधी सी बात है, मैंने उसकी नहीं। उन्होंने क्या किया है? ICS। ICS हाँ जी। वो क्या? ये इसमें कंप्यूटर में उसमें किया है। अच्छा, वो कंप्यूटर में उन्होंने किया है। तो अल्लाह ताला, कितनी एज है उनकी? 19 साल। चलो अल्लाह ताला किस्मत अच्छी करे, हमारी बेटी है कोई, सबकी बेटियाँ एक जैसी हैं, तो आपको भी अल्लाह ताला हिम्मत दे के अपने जो जिम्मेदारियाँ हैं, अपनी जो घरेलू जिम्मेदारियाँ हैं, उसके ऊपर आप पूरा उतरें, तो अल्लाह ताला खैर करे। तो अब मुझे बताएं कि आपने कितनी फिल्मों में आपने काम किया होगा? मैंने 25 फिल्मों के करीब है, और मैंने किया स्टारों के साथ ही है, यानी एक एक सीन किया है, दो दो सीन किए। मैं जितना काम किया मैं उतना ही बताता हूँ, मगर सीनियर सुल्तान रही साहब से अल्लाह ताला उन्हें करवा कर जो नसीब अता फरमाए, मैडम अंजुमन जी, सहमा जी, फिर मैयों कराची साहब, अपने रैम्बो जी, शान जी, इनके सब के साथ मैंने काम किया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब ये बताएँ कि अभी जो आपका मौजूदा सूरत हाल है, जो ज़रिया आमदन, वो हाँ। कैसे सिलसिला है? सर वो कुछ भी नहीं, ज़ीरो बेटा ज़ीरो है। बस कोई शो आ जाता तो मैं अपने घर का किचन चल जाता, क्योंकि ना मेरा बेटा भी कोई नहीं, अकेली अकेली बेटी और मैं और मेरी वाइफ है, किराए पर रहता हूँ, वो मुझे कोई 22 साल हो गए किराए पर रहते हुए। तो बस यही ज़िंदगी एक चल रही है, बस जो वक्त गुजरा शुक्र है। आपने कितने मुल्कों में परफॉर्म किया अभी तक? मैंने 3 मुल्कों में अभी किया, मैंने मस्कत में किया हाँ जी, और उसके बाद मैं दुबई में, और तीसरा या दोहा कतर, अब 3 मुल्कों में मैंने परफॉर्म किया, दोहा कतर। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जैसे आपकी परफॉर्मेंस है, आपको यूरोप और इधर UK वगैरह भी जाना चाहिए, और बहुत सारे प्रमोटर शायद आपकी बहुत सारी वीडियो देखते भी हो। हाँ जी, सब देखते हैं, सर देखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल रिस्पॉन्स अभी कोई ऐसा नहीं। मैं तो अल्लाह पे यकीन रखता हूँ, प्रमोटरों पे नहीं, मैं अपने रब पे यकीन करता हूँ। जो रब पे यकीन करता है वो फिर वो सब उसके हो जाते हैं, जो बंदे पे यकीन करता है फिर वो बंदे बंदे से। अच्छा, मैं एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जिन फनकारों को ऑलरेडी पहले से वीज़े लगे हुए हैं ना, हाँ जी हाँ जी, वो जिनके नहीं लगे ना, वो उनके आका बने हुए हैं यहाँ पर। हाँ बात ये है कि ऐसे ही है ना। हाँ बात ये, देखें जी, जिनके नहीं लगे थे आखिर अल्लाह ने उनके लगवाए ना, अल्लाह ने लगवाए। हाँ, जब अल्लाह पे यकीन होगा ना फिर आप जाएंगे। मैं अल्लाह के हुक्म से मैं जाऊँगा, अल्लाह के हुक्म से मेरा अल्लाह मुझे ले जाएगा। वो किसके आपके जेहन पर डाल देता है, किस पे जेहन पर डालेगा, मुझे वही लेके जाएगा अल्लाह जिसकी ड्यूटी लगाएगा। जी बिल्कुल, यही बात तो बस सच है कि अल्लाह ताला जिसकी ड्यूटी लगाएगा, जिसके वसीले से सफ़र लिखा हुआ है, और जहाँ भी लिखा हुआ है इंशाल्लाह आपका सफर होगा, और उस दिन मैं वो बताऊंगा कि मेरे अल्लाह ने इसकी ड्यूटी लगाई थी, और आज अल्लाह ने इसके अपने कानों में, इनके जेहन में डाला, और आज इसने मुझे बुलवाया। फिर उस दिन मैं बताऊंगा कि यार ये देखो, ये मेरे अल्लाह के काम, मेरे रब के काम, जिसे चाहे वो इज्जत दे, जिसे चाहे वो जिल्लत दे, जिल्लत से हमें बचाए। अल्लाह उतना वो बोझ डालता है इंसान के ऊपर जितना वो सह सकता है। अल्लाह कभी कभी किसी को तंग नहीं करता, मेरा अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है, वो बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है। तो बात ये है कि वो जब चाहेगा इंशाल्लाह। अब ये है कि क्योंकि सूरत हाल जो हमारी इंटरव्यू की है बड़ी सीरियस और सिचुएशन इस तरह की है कि सीरियस है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी मर्जी से कुछ आइटम्स जाते जाते आप खुद चेंज कर दें। जी अमान साहब, कदों आए हो तुसी? ओ यार आना कदों, बस मैं इत्थे ही हां, मैं किथे जाना, मैं तेरा इंतजार ही कर रहा सी कि UK तो नदीम बाल साहब आणगे, उन्होंने बह के मैं घर बुलावांगा, उन्होंने मैं दावत करांगा, उन्हें गल्लां बातां करांगे। तो सुनाओ तो भैया, ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक, तुसी सुनाओ। तुहाडियां मुछां दसणियां नहीं ठीक,
ਉਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਝ ਚੁੱਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਮ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਵਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਲਟ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਆਈਆਂ ਮੁੱਛਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਆਈ ਦਾਣੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਵਿਗਾੜੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੇ ਗਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੁਣੇ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਭ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਵਾਂ ਕੋ ਮਿਲਣਗੇ ਮੇਰੇ ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਨਕੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੈ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਨਮ ਸਿਫ ਕਰੇ ਅਮਾਨ ਅਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਉਨਕੋ ਉਨਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲਾਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਲਾਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਚਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਗੁਫਾਰ ਲਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਜ਼ਾਵੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜ਼ਾਵੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਸ਼ੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਆ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਅੱਲਾ Shake it, baby.